नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर सिविल कोर्ट में गवाही देने पहुंचे नवीन सिंह पर बाइक सवार अपराधियों ने चलाई गोली, बाल बाल बचा नवीन। गोलमुरी चौक पर बाइक सवार पांच अपराधियों ने तीन चार राउंड फायरिंग कर हुए फरार, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही जांच पड़ताल। गालुडी से टाटा आ रहे बाइक सवार दो व्यक्ति की सड़क हादसे में हुई मौत। और करंडी में अचानक कार में लगी आग, ड्राइवर बचा, क्षेत्र में मची अफरा तफरी। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर सिविल कोर्ट आज फिर रक्त रंजित होने से बच गया, जहां सोमवार दोपहर गेट नंबर 3 के समीप बाइक सवार अपराधियों ने गवाही देने पहुंचे नवीन सिंह को टारगेट कर दो गोलियां दाग दी। गनीमत रही कि इस हमले में नवीन बाल बाल बच गया। उधर गोली चलने की घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। मामले की सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। इस संबंध में नवीन सिंह के वकील आनंद ने बताया कि मनप्रीत पाल हत्याकांड मामले में नवीन की आज गवाही थी। गवाही देकर कोर्ट से जैसे ही नवीन निकल रहा था कि गेट नंबर 3 के पास एक बाइक पर सवार दो अपराध कर्मियों ने गोली चला दी। उन्होंने बताया कि गनीमत रहे कि गोली नवीन को नहीं लगी। उधर गोली चलने की घटना के बाद कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा की गुहार लगाई है। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं था जब कोर्ट में गोलीबारी की घटना हुई है। मेरा क्लाइंट है नवीन सिंह, आज उनका डेट था, वो आए थे। डिजिट 2 में उनका केस पेंडिंग है, सिटबोला मर्डर केस, मनप्रीत पाल का हत्याकांड का, तो उसी में वो आए थे। चार्ज फ्रेम होने का था, लेकिन डिस्चार्ज पर होने के कारण चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। उनका हाजिरी दिया गया था आज डिजिट 2 में, लेकिन एन वक्त पर चार्ज नहीं हो पाया। तो सर ने कहा कि आने की आवश्यकता नहीं है, नेक्स्ट जेट में आइए। तो वो हम उनको छोड़ दिए, वो जा रहे थे, हम भी आके टेबल में बैठे। इन द मीन टाइम गोली का आवाज़ सुने, दौड़े हम लोग, दौड़ के देखे कि नवीन सिंह जो है अंदर गिरा हुआ, गेट के सामने गिरा हुआ। गेट के बाहर से कोई किसी को किसी से दौड़ाते हुए कोई अपराध कर्मी था, जो हाजिर आया था या जो भी है, उस पर एक राउंड फायर किया था, जो फायर नहीं लगी है उसको, बस यही सूचना है। इस पर सीताराम डेरा थाना पर भारी आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। कारण क्या सामने आ रहा है? अभी किसी प्रकार का यह तो जाँच का विषय है, अनुसंधान का विषय है, उसके उपरांत ही इसमें पता चल पाएगा। जो भी घटना कोर्ट कैंपस के बाहर में ही हो रहा था। कितने लोग थे, क्या बता रहे? नवीन लड़का कौन है? नवीन लड़का का नाम आया है, तो उस संबंध में अभी सीताराम डेरा थाना प्रभारी सत्यापन कर रहे हैं क्या है नहीं है, और उसके बाद फिर जैसा उसका किसके साथ में क्या है, अदावत है नहीं है, किसे कहां से उसको दौड़ा के ले। इधर जमशेदपुर में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। बेलगाम अपराधी न्यायालय परिसर के बाहर गोली चालन की घटना को अंजाम देते हैं। इस घटना के चंद घंटों बाद गोलमुरी चौक में 3 से 4 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। शहर में लगातार आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, गोली चालन जैसी घटनाएं आम हो गई है। सोमवार को दिन दहाड़े जहां अपराधी न्यायालय परिसर के बाहर गोली चालन की घटना को अंजाम देते हैं, कुछ ही देर बाद भीड़ भाड़ वाले इलाके गोलमुरी क्षेत्र में भी 3 से 4 राउंड फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। इधर गोलमुरी क्षेत्र की घटना में पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार अपराधियों की क्या मंशा थी और अपराधी किस मंसूबे से इस घटना को अंजाम दिए। चौक पर 2 मोटरसाइकिल से 5 व्यक्ति आए थे और आसमानी फायरिंग करके कितना खोखा मिला है, कितना राउंड फायरिंग हुआ? 3 राउंड खोखा मिला है, 3 राउंड फायरिंग हुआ। और कौन अपराधी थे, कुछ क्या लगता है कि कोर्ट वाला मामले से ही जुड़ा हुआ? मैंने क्या कुछ किस लिए गोली चला रहे थे कुछ पता नहीं चला, किसी का नाम? हवाई फायरिंग करके गया है, क्या इसका कोई किसी का नाम हम भी ले रहे थे तो क्या डराने धमकाने के लिए? उधर गालुडी से टाटा आ रहे बाइक सवार ससुर और दामाद की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक लखन्ना कर्मकार की पत्नी और मृतक सुखलाल लोहार की बेटी मुक्ता कर्मकार ने बताया कि पिता और पति गालुडी गए थे। गालुडी से वापस टाटा आने के क्रम में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पिता और पति की मौत हो गई। ये गालुडी गए थे मेरे पापा के साथ। कब? सुबह सुबह निकल गया आज। हाँ। फिर
फिर आ रहा था सर उधर से। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? गालूडी थाना के वहाँ, हम तो उतना नहीं जानते, घर में थे हम। कौन कौन था गाड़ी में? दो जन था, मेरा पापा और ये। पापा कहाँ आपका? पापा है यहीं है, वो वहाँ डेट कर गया। अच्छा, वो दोनों डेट कर गया। क्या नाम था पापा का? सुखलाल लोहार। हाँ, सुखलाल लोहार। कितना ये जो घटना जो घटा है, तो आपको कैसे जानकारी मिला? ससुराल गए थे कल। कहाँ? गालूडी। अच्छा, फिर वो ससुराल से शायद वो आ रहा था सुबह। कितना बजे एक्सीडेंट हुआ? क्या चीज़ से आ रहा था? बाइक में था ना, किसमें था? कितना आदमी था बाइक में? 10 बजे। और परसोडी थाना क्षेत्र के करंदी में अचानक एक कार में आग लग गई, जिससे ड्राइवर बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि करंदी पेट्रोल पंप के समीप एक कार में अचानक आग लग गई। कार में विक्की मोटर ट्रेनिंग लिखा हुआ था। वहीं तुरंत स्थानीय लोग और ट्रैफिक पुलिस ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कार काफी जल चुकी थी और एक बड़ा हादसा टल गया। कैसे हुआ? पेट्रोल गाड़ी है, इतना पुराना गाड़ी है, सरकार को चाहिए आप इतना पुराना गाड़ी को कम से कम जब तक फिटनेस वगैरह नहीं है गाड़ी हो, काफी पुराना मॉडल गाड़ी। वहीं एक तरफ लोग रामनवमी, नवरात्र और रमजान की तैयारी में जुटे हैं, दूसरी तरफ जमशेदपुर जिला प्रशासन फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ने में जुटी है। रविवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर मानगो नगर निगम प्रशासन ने फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान करीब 150 दुकानों को निगम द्वारा जमींदोज कर दिया गया। रविवार रात MNAC और जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान SDO पीयूष सिन्हा ने बताया कि जो दुकानें अतिक्रमण कर बनी हैं, उन्हें दूसरी जगह विकल्प देने के बावजूद भी दुकानदार शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। मानगो में फुटपाथी दुकान के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। पता चला कि भाई MNAC और जिला प्रशासन भाई फोर्सली दुकानों को हटा रहे हैं। गरीब दुकानदार हैं, पर्व त्यौहार का समय है, रमजान का समय है, सभी धर्म के लोगों का धार्मिक माहौल है। तो हम लोगों की बात हुई है SDO साहब से, उन्होंने कहा कि जो दुकानदार स्वेच्छा से मालगो पुल के बगल में जो दुकानें खाली पड़ी हुई हैं उसमें स्वेच्छा से जा रहे हैं, उन्हीं को अभी खाली कराया जा रहा है। अच्छा, हम लोग मोची है, अभी वहाँ पर तोड़ दिया है। हाँ, तोड़ दिया है। यहाँ पर भेजा? हाँ। यहाँ दुकान मिला? हाँ, ये वाला मिला। कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। जिला प्रशासन अच्छा काम किया? हाँ, अच्छा काम किया। हाँ? हाँ, अच्छा काम किया। अच्छा काम किया ना? हाँ। आपको यहाँ पर बसा दिया। वहीं निगम प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में फुटपाथी दुकानदारों ने भी मोर्चा खोलते हुए विरोध शुरू कर दिया है। दुकानदारों ने आबादी के अनुपात में उन्हें पुनर्वासित करने की मांग की है। फुटपाथी दुकानदारों ने नगर निगम नियमावली 2014 का हवाला देते हुए आबादी के अनुपात में फुटपाथी विक्रेताओं को जगह मुहैया कराने की मांग की है। सोमवार को फुटपाथी दुकानदारों ने एक बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की। वैसे अचानक से बुलडोजर चलाए जाने को लेकर क्षेत्र में राजनीति भी तेज हो गई है। बता दें कि ये क्षेत्र जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का इलाका पड़ता है, जहां से विधायक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है। हालांकि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के भाई ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया, मगर जिला प्रशासन ने उसकी एक न सुनी। वहीं भाजपा भी दुकानदारों के समर्थन में खुलकर सामने आई है। उसका भी कोई वैल्यू नहीं हुआ, प्लस हम लोग को 4-4 दिन ट्रेनिंग दिया गया मानगो नोटिफाइड में, जो आप लोग कानून सब कुछ हम लोग बोला गया, लेकिन कोई हम लोग का सच्ची उड़ गया। क्या नाम आपका? धीरेन प्रधान। आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आगे हम लोग अभी तो आज रूपरेखा उनका तैयार होगा, उनका रूपरेखा तैयार होगा। क्या मांग कर रहे हैं आप बताइए? हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग उजाला की हम लोग दूसरा जगह बोला तो बसाया जाए, अगर नहीं किया गया तो नहीं किया जाएगा तो देखिए सरकार को करना होगा, नहीं करने से व्यवस्था तो होगा नहीं। 2024 में चुनाव जो 2000 का जो लागू जो 2014 जो कानून है, जब तक दुकानदार को बसाया नहीं जाएगा उसको उजाला नहीं जाएगा। 2024 में चुनाव भी है, चुनाव है उसका भुगतान उसको भोगना पड़ेगा।
नुकसान होना पड़ेगा ना। आज हम लोग जो पचपन घर में जो परिवार एक एक आदमी का पचपन जो परिवार है उसका क्या हाल होगा बताइए। जो चुनाव बढ़ रहा है उसका कैसे यही से हम लोग कमाई धमाई करके हम लोग उसका पढ़ाई लिखाई करते हैं अब उसका हम लोग कैसे करेंगे बताइए। क्या नाम आपका? बिरेन पूछा। क्या मामला है? पूरा बात 2014 का मामला यही है। 2014 के कल एक कानून बना हुआ है, हम लोग किताब भी दिया गया है झारखंड सरकार की तरफ से, हम लोग जीवित समय मरण को सब दिया गया है। उसके तहत ये है कि पहला कोई भी क्षेत्र का आबादी का 2.5% फुटपाथ को आपको देना है। तो जब मान लो एक क्षेत्र का लगभग आबादी 3 लाख है तो 3 लाख के हिसाब से 7,500 दुकानदार या फुटपाथी लोग को बैठने का जगह आपका होना चाहिए। तो मान लो में पहला बात कोई बाजार नहीं है। और अस्तगामी सूर्य को व्रतियों ने अर्घ दिया। घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। 4 दिनों तक चलने वाले चैती छठ पर्व के तीसरे दिन सोमवार को सैकड़ों की संख्या में व्रतियों ने जलधारा में खड़े होकर डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग सिर पर फूल पूजा सामग्री की टोकरी लेकर पहुंचे। घाट के आसपास सुरक्षा के प्रबंध है। देर शाम तक आसपास चहल पहल रही। छठ पर्व का चौथा दिन यानी अंतिम दिन मंगलवार को अहले सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर महिलाएं 36 घंटे से चल रहा व्रत तोड़ेंगी। इससे पूर्व रविवार को खरना रस्म के लिए तैयार किए गए थे। प्रसाद का छठ मैया को भोग लगाने के बाद वितरण किया गया। क्या होता है आज के दिन? आजाद नगर रोड नंबर 13 में दुकान में काम कर रहे एक युवक के लगभग 8 लोगों ने पिटाई कर फरार हो गए। घटना के संबंध में घायल शमीम अली ने बताया कि आजाद नगर रोड नंबर 13 मून सिटी जमुना नगर रोड में उसकी रेडियम की दुकान है। दुकान में काम करने के दौरान अचानक युवकों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई। शमीम ने बताया कि आजाद नगर रोड नंबर 9 में बीते दिन बच्चों के हो रहे विवाद के बीच बचाव करने से नाराज होकर आज मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। घायल शमीम ने बताया कि बैट चापर से उसकी पिटाई कर दी गई। शमीम अली कहाँ रहते हैं? रोड नंबर 13। क्या चीज का दुकान आपका? रेडियम। रेडियम का। क्या नाम है? द रेडियम हाउस। कहाँ पे है? मून सिटी जमुना रोड। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ आज? हम दुकान में काम कर रहे थे, अकेले थे। वो लोग 8-10 लड़का आया और हम काम कर रहे थे, पीछे से आके मार। कौन लोग था? और तालिब नाम का एक लड़का है। हा? तालिब नाम का एक लड़का है और उसके साथ 8 जन थे। वो लोग को नहीं जानते। क्या चीज़ से लोग आया था? वो लोग बैज बैट से मारा और हाथ में तलवार उलवा दिया। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा ऐसे ही लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस में है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन QC, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म। TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality, 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and
एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रामनवमी को लेकर बाजारों में बिक्री के लिए एक से बढ़कर एक झंडा आया है। रामनवमी में इस बार बाजारों में बिक्री के लिए तमाम प्रकार के झंडा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बड़ा छोटा हरा बांस भी काफी आया है, जो इस बार महंगा बिक रहा है। कदमा, सांची, जुगसलाई, मानगो, परसोडी आदि बाजार में रामनवमी को लेकर झंडा काफी आया है। आया हुआ है नया पैटर्न का, रामनवमी का विशेष में आया गया है झंडा वगैरह, और इस बार पूजा बहुत काफ़ी बढ़िया से होगा। किस तरह का झंडा आया इस बार नया में बाबू, किस तरह का आया हुआ इस बार रामनवमी में नया पैटर्न के झंडा वगैरह, जैसे इस तरह में देखिए काफ़ी सुंदर डिजाइन सब आया गया है, बढ़िया डिजाइन सब है नया पैटर्न में इस बार। ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से द हंस फाउंडेशन के सहयोग से जिला स्वास्थ्य विभाग को 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट प्रदान किया गया, जिससे जिले के उपायुक्त ने उपायुक्त कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए रवाना किया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूनिक मेडिकल मोबाइल यूनिट द हंस फाउंडेशन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द किया। शहरी क्षेत्रों में सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण शहरी क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलती, पर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक को मिलना मुश्किल होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए द हंस फाउंडेशन ने 5 ऐसे एम्बुलेंस को पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द किया, जिसमें सारी सुविधाएं लैस होगी। इन सारी सुविधाओं को प्रत्येक ग्रामीण तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए इससे उपायुक्त कार्यालय से रवाना किया। हंस फाउंडेशन के द्वारा ये हंस मेडिकल मोबाइल यूनिट के 5 गाड़ियां जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है। हम सबसे पहले तो उनका अभिनंदन करते हैं दिल से, समस्त जिला प्रशासन और पूर्वी सिंहभूम आप लोगों के लिए शुभेच्छा और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस ज़िले में दूर दराज के क्षेत्र, खासकर जंगल क्षेत्र, रिमोट एरियाज, पहाड़ी क्षेत्र, या जहाँ पे PHC CSC सेंटर्स में आने के लिए या कोई रिसोर्सेज के वजह से अगर हेल्थ सेवाएँ सुचारू रूप से नहीं दी जा रही है, या लोगों को जहाँ आने के लिए दिक्कत हो रही है, यहाँ ये वाहन जाएगा, ये यूनिट जाएगा। ये यूनिट इज़ टोटली अ मोबाइल हेल्थ सेंटर। ये एक हेल्थ सेंटर अब आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, पहले आप हेल्थ सेंटर के दरवाजे पे जाते थे और कई सारे लोगों को दिक्कतें होती थी, कई सारी दिक्कतें थी, जैसे कि डॉक्टर सफिशेंट नहीं है, या फिर सेंटर हफ्ते में 2 ही बार खुल रहा है, या फिर कुछ संसाधनों का अभाव है, और इस अभाव के चलते लोग सेवाएँ अच्छे से प्राप्त नहीं कर पा रहे। इधर जमशेदपुर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए अपनी 3 सूत्री मांगों के संबंध में उपायुक्त के माध्यम से देश के गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द मांग को पूरी करने की मांग की गई, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना, कुर्मारी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने और भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो की प्रतिमा को संसद भवन में स्थापित करने संबंधी मांग को लेकर पूरे राज्य, साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों में भी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए देश के गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इनके प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान समय में बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में अगर इनकी मांगों को अनदेखा की गई तो 20 सितंबर 2023 को पूरे झारखंड में रेल रोकने का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देकर चोट देने का काम करेगी। आदिवासी कुर्मी समाज का एक पूर्व घोषित कार्यक्रम है, आज पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त के माध्यम से हम लोग भारत के गृह मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, और ये हमारा कार्यक्रम जो है पूरे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा तीनों राज्यों में हम लोग जिला में प्रदर्शन करते हुए भारत के गृह मंत्री को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, और उनसे मांग है
कि जो बहुत पुरानी मांग है कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, कुर्माली भाषा को संविधान का 8वीं सूची में शामिल किया जाए और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी रघुनाथ महतो जो चुहाड़ विद्रोह के नायक है उनका मूर्ति जो है पार्लियामेंट हाउस में इसको स्थापित किया जाए, मूल रूप से हम लोग का यही मांग है। और आज हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं आदिवासी कुर्मी समाज के लोग और अन्य कुर्मी सेना के लोग और अन्य लोग भी मतलब समाज के लोग भी यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, इनके माध्यम से हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं और भारत के गृह मंत्री से हम लोग का मांग है कि वर्तमान जो बजट सत्र चल रहा है और आने वाले दिन में जो आपका मानसून सत्र चलेगा इस दरमियान अगर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी बिल अगर नहीं लाता है तो अगला हम लोग जो है कार्यक्रम जो करेंगे वो सीधा सीधी बात है। जिस तरह आज बंगाल में 5 तारीख को रेल रोकने का काम कर रहे हैं बंगाल के आदिवासी कुर्मी समाज के लोग, उसी के तर्ज पर हम लोग 20 सितंबर 2023 को पूरे झारखंड में रेल रोकने का काम करेंगे। उधर कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के द्वारा पत्रकारों को संबोधित किया गया, जिसमें कोल्हान विश्वविद्यालय और उनके अंगीभूत महाविद्यालयों में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य शैक्षणिक समस्याओं को देखते हुए विभिन्न छात्र नेताओं द्वारा पूरे कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा नामक एक छात्र संगठन का गठन किया गया। संगठन के विषय में संरक्षक सोनू ठाकुर का कहना है कि यह कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा पूरे कोल्हान विश्वविद्यालय के छात्रों के हितों के लिए और भ्रष्टाचार के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन करेगा। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों से छात्र हितों की हो रही अनदेखी और अनेक महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के साथ हो रही नाइंसाफी को देखते हुए हम इस मंच पर एक हुए हैं। और पूर्व छात्र नेता दीपक पांडे का भी यही कहना है कि जनजातीय वर्ग के साथ तमाम वर्ग के विद्यार्थियों की आवाज हमारी संगठन बनेगी और महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक आंदोलन करेगी। इसी क्रम में संगठन का प्रथम आंदोलन जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में प्राचार्य के संरक्षण में हो रहे भ्रष्टाचार और विकास के नाम अनियमितता के खिलाफ होगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से दीपक पांडे, पप्पू यादव, सूरज ओझा, राकेश दास, अजय होनागा, कमलेश, शुभम झा, वीरेंद्र, राहुल कुंदन, अंकुर, शुभम विश्वकर्मा, कृष्णा कामत, विपिन शुक्ला और अन्य उपस्थित थे। आज हम सभी 7 संगठन मिलकर एक संगठन बनाए हैं कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा, जिसका मकसद है कि पूरे कोल्हान में जितने भी अंगभूत कॉलेज है सभी कॉलेजों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको एक मंच पर लाकर उसको आंदोलन रूप बनाकर आंदोलन कर उस मामलों को समस्या का समाधान करना। और सबसे बड़ा आज का मकसद यह है कि कोल्हान में जितने भी अधिकारी बैठे हैं एक से एक भ्रष्ट अधिकारी है जो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना छात्रों की समस्या का समाधान कर रहे हैं ना शिक्षकों की समस्या का समाधान कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैसे भ्रष्टाचार हो कैसे लूटपाट हो इसी में अपना फोकस किया हुआ है। आज सीपीआई के जिला सचिव के नेतृत्व में सीपीआई का प्रतिनिधि मंडल मानगो रोड डिवाइडर के अंदर जिला प्रशासन के द्वारा उजारे गए दुकानदारों से मुलाकात की। धरने पर बैठे महिला एवं पुरुष दुकानदारों ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा एकाएक बुलडोजर के साथ घोषणा करते हुए दुकानों को उजाड़ा गया। गौरतलब है कि शहर में रामनवमी एवं रमजान दोनों पर्व साथ हैं। शहर के अंदर आए दिन चोरी छिनतई की समस्या आम है। जो लोग उजाड़े गए हैं वे अपने परिवार का भरण पोषण सब्जी बेचकर ठेला लगाकर करते थे, उनके सामने एक आर्थिक संकट आ गई है जिसे प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की गई कि यथाशीघ्र उजाड़े गए दुकानदारों को संज्ञान लेकर बसाने की कृपा करें। उजड़े दुकानदारों को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पुनर्वास के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में पूर्ण संघर्ष का आश्वासन दिया गया। इस मुलाकात के काम हीरा अर्कने एवं काम श्रवण कुमार भी शामिल थे। एक तरफ कहा जाता है कि धर्म को हम लोग को लेकर के चलना है, शहर के अंदर रामनवमी भी है और रमजान भी है, छठ पूजा भी और साथ साथ नवरात्र भी चल रहा है, छठ पूजा भी चल रहा है, छठ पूजा भी चल रहा है। इस समय में ऐसे स्थिति में जो डेली कमाने खाने वाला लोग है, जो सब्जी बेच करके 5 आदमी का गुजारा बसर कर रहा है, उसका रातों रात हिटलर शाही के तरह जिला प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया गया, जो एकदम सरासर गलत है। हम मांग करते हैं कि इन लोग का पुनर्वास होना चाहिए। आप इसके लिए जगह निर्धारित करें, जिनको उजाड़ा गया है उनको बसाने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, ये गरीबों का शहर है, मजदूरों का शहर है, ये डेली वेजेस पर काम करने वालों का शहर है, इसका ध्यान रखा जाए। शहर के अंदर आप सुने होंगे कि डेली छिनताई हो रहा है। आज हम कहते हैं कि ये लोग जो लोग सब्जी बेच करके घर चला रहे हैं ये किस तरह से अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करेंगे, ये प्रश्न उठता है। इसलिए इसका संज्ञान जिला प्रशासन को लेना चाहिए
अगर जिला प्रशासन नहीं मानती तो अगला आंदोलन क्या होगा? मानती है तो हम सारे बाजार के लोगों को, सब्जी विक्रेता से तमाम दुकानदारों को अपील कर रहे हैं कि आप यूनाइट होइए और आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। धतकड़ी स्थित हरिजन बस्ती के लोगों ने सोमवार को जुस्को कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए बस्ती में साफ सफाई, शौचालय एवं स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किए जाने की मांग की। टाटा कमान एरिया में बसे बिष्टुपुर के धतकड़ी स्थित हरिजन बस्ती के लोगों ने सोमवार को जुस्को कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए बस्ती में साफ सफाई, शौचालय एवं स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किए जाने की मांग की। मुखी समाज के नेता सुरेश मुखी ने 5 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिनों के भीतर उपरोक्त सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, अगर तय समय सीमा पर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। पूर्व घोषणा के तहत हम लोग आज जिसको कार्यालय के समीप आज हम लोग एक दिवस धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जो नागरिक सुविधाएं हम लोग को मिलनी चाहिए वो नागरिक सुविधा हम लोग को नहीं मिल रही है, जैसे बिजली, पानी, अनियमित रूप से बस्तियों की साफ सफाई नहीं है। हम लोग पहले भी हम लोग लेटर लिख चुके हैं लेकिन आश्वासन मिला, सर्वे हुआ, आश्वासन मिला और साफ साफ कह दिया कि फंड नहीं है, फंड की कमी से अभी हम लोग आपको पानी नहीं देंगे, 1 साल। भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित मोर्चा के द्वारा जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर आगामी 4 अप्रैल को होने वाले मंगला पूजा को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था व यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की गई। आगामी 4 अप्रैल और 11 अप्रैल को मंगला पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें 4 अप्रैल को बड़े पैमाने पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कलश यात्रा निकलेगी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित जलाशयों से लेकर सभी देवस्थल पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति में जलाशयों के साफ सफाई, कलश यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरेंगे तो ऐसी परिस्थिति में यातायात अवरुद्ध की समस्या उत्पन्न होगी। साथ ही साथ कड़ी धूप को देखते हुए सड़कों पर पानी का छिड़काव जरूरी है। इधर अनुसूचित मोर्चा के प्रतिनिधियों ने जिले के उपायुक्त कार्यालय पहुँच जिले के उपायुक्त का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। साथ ही साथ 4 मार्च को होने वाले मंगला पूजा में इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कराने की मांग की। जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर द्वारा डीसी महोदय को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। उद्देश्य की है कि दलित समाज का आस्था का पर्व मंगला पूजा के उत्सव में 4 अप्रैल को ये दलित समाज का उत्सव है और कलश यात्रा नदी से होते हुए अपनी घर को और निकलेंगे। इसी के संबंध में व्यवस्था के अनुसार पानी, जल, यातायात व्यवस्था के लिए हम ऋषि महादेव को ज्ञापन सौंपेंगे। मैं अजीत काले जी। कहाँ से निकलेगा ये और किस रास्ते जाएगा और कितने लोग की शामिल होने की संभावनाएं हैं? ये हजारों की संख्या में लोग आएंगे। हम लोगों ने नदी तट से, तालाबों से, विभिन्न क्षेत्र के मैंने तालाब से लेकर नदी से कलश यात्रा निकलेगी और निकलते हुए अपनी रास्ता को लेते हुए अपनी घर की ओर प्रस्थान करेंगे। कितना तारीख को कार्यक्रम? 4 अप्रैल को और 11 अप्रैल को है। 4 तारीख को बड़े पैमाने पर श्रद्धालु इसे कलश यात्रा में पूरा नाम बता दीजिएगा भाग लेंगे। मैं अजीत कालिंदी, जमशेदपुर महानगर, अनुसूचित जाति मोर्चा। धतकड़ी मेन रोड में उषा एंटरप्राइजेस नामक इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर दुकान का सोमवार को उद्घाटन किया गया। आइए बच्चे भाई, आइए यहीं के हैं। मेरा
मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ। ये धरती डी एरिया में हिदायत भाई से मेरा बहुत दिनों से संपर्क था। उनकी एक इच्छा थी कि इस एरिया में भी इस तरीके का कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और पूरा होम सोल्यूशन का फर्नीचर के साथ कोई शोरूम का आवश्यकता है। उन्होंने बोला कि मेरे पास ये आप यदि ये करते हैं तो इस एरिया में आपके अच्छे कस्टमर की संख्या अच्छी है, उनके पास सुविधा मिलेगी और अच्छी क्वालिटी का सामान सब लोग पसंद करते हैं। क्या क्या आइटम रखे हैं? मेरे यहाँ सोफा मिलेगा, डाइनिंग टेबल मिलेगा, वार्डरोब मिलेगा, टीवी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, वॉशिंग मशीन मिलेगा, माइक्रो ओवन मिलेगा, एसी मिलेगा, कूलर मिलेगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक का सामान। इसके अलावा साथ साथ में कंप्लीट होम सॉल्यूशन का सामान हमारे यहाँ मिलेगा। साथ ही घर का मॉडुलर किचन का जो भी काम होगा वो ऑर्डर से वो सभी हमारे यहाँ बनेगा। क्या नाम है दुकान का? दुकान का नाम मेरा उषा इंटरप्राइजेज। अभी शुरू के इस ऑफर में नया ओपनिंग के टाइम में कस्टमर के लिए 20% का सीधा डिस्काउंट है और हम लोग बाज़ार के किसी भी सामान में बाज़ार के कंपटीशन के हिसाब से प्राइस अच्छा रखते हैं, गुणवत्ता का हमेशा ख्याल रखते हैं और चाहते हैं कि कस्टमर को मेरे यहाँ से लिए हुए किसी प्रोडक्ट में कभी भी सेल्स और सर्विस की सुविधा मिलती है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने से आंदोलनरत कांग्रेस पार्टी ने इसका सारा टिकरा भाजपा पर मढ़ा है। सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से पार्टी नेता रोज धरना प्रदर्शन, पुतला दहन आदि कार्यक्रम कर रहे हैं। शनिवार को सांची स्थित भाजपा कार्यालय के समक्ष कांग्रेस के प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम को भाजपा महानगर अध्यक्ष ने लोकतंत्र विरोधी एवं कार्यालय बंद रहने का हवाला दिया। उन्होंने कांग्रेसियों को चुनौती दी है कि हिम्मत है तो समय एवं तारीख बताकर आए। इसके जवाब में रविवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव प्रिंस सिंह ने भालुवासा कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में उन्हें ललकारा। कांग्रेस नेता प्रिंस सिंह ने कहा कि सत्ता से हटने के बाद भी भाजपा नेताओं को अहंकार कम नहीं हुआ है। देश की जनता जानना चाहती है कि काला धन कब आएगा, महंगाई पर काबू कब होगा, युवाओं की बेरोजगारी कब दूर होगी। पूरी तरह से दिवालिया, मानसिक दिवालिया हो गए और इनका सूझबूझ जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। भाजपा जिस तरह से काली करतूत कर रही है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, यदि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करेंगे हम लोग निश्चित तौर पर इसका सड़क से लेकर के सदन तक इसका हम लोग विरोध करेंगे। चाहे भाजपा कार्यालय में हम लोगों को चढ़ करके जो आपका जो है झंडा लहराना होगा तो भी हम लोग लहराएंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि जिला में भाजपा की स्थिति दयनीय है। गुंजन यादव केवल चापलूसी कर जिलाध्यक्ष बने, जैसे कि आप जानते हैं उनका कहना है कि जिला में हम लोग पन्ना प्रभारी तक बनाए थे पिछले चुनाव में, बट रिजल्ट क्या हुआ, पूरा जिला में भाजपा का एक भी विधायक जीत के नहीं आया। उन्होंने हम पर आरोप लगाया कि हम लोग चोरी छुपे वहाँ पे आए और वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया, गाड़ी में पुतला लेके। उन्होंने कहा कि हम लोग गाड़ी में पुतला लेके आए, बट ऐसा नहीं था। हम लोग के कार्यकर्ता टैगोर एकेडमी स्कूल के सामने चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर सिविल कोर्ट में गवाही देने पहुंचे नवीन सिंह पर बाइक सवार अपराधियों ने चलाई गोली, बाल बाल बचा नवीन। गोलमुरी चौक पर बाइक सवार पांच अपराधियों ने 3-4 राउंड फायरिंग कर हुए फरार, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही जांच पड़ताल। गालोडी से टाटा आ रहे बाइक सवार दो व्यक्ति की सड़क हादसे में हुई मौत। और करंडी में अचानक कार में लगी आग, ड्राइवर बचा, क्षेत्र में मची अफरा तफरी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।